बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीवर फेलियर। आपको पता है कि लीवर हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन अगर यही ऑर्गन अपना काम करना छोड़ जाए तो इसको बोलते हैं लीवर फेलियर, या इसको बोलते हैं जिगर काम करना छोड़ गया है। तो जिगर का मर्ज, जो लीवर फेलियर है, इसके साइंस सिम्टम जब अपीयर होना शुरू हो जाती है जब लीवर का तकरीबन 80 से लेकर 90% फंक्शन लॉस हो जाता है। इससे पहले पहले अगर 50% या 60% लीवर का फंक्शन खत्म हो भी जाए तो रिमेनिंग पार्ट उसको कंपनसेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने लीवर के फंक्शन को तकरीबन खत्म कर देना है, लीवर फेलियर करवाना है, तो इसके लिए आपको 80 से लेकर 90% लीवर के फंक्शन को कम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, लीवर फेलियर के साइन सिम्टम होते हैं वो 80 से 90% फंक्शन के लॉस्ट होने के बाद अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन उनका ड्यूरेशन कैसा होता है, उनका ऑनसेट कैसा होता है, तो एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर डाल देते हैं। एक्यूट, क्रॉनिक और तीसरी कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लीवर फेलियर को कवर करना है, तो आपने अभी से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक हो गया। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। एक्यूट लीवर फेलियर ऐसा लीवर फेलियर जिसके अंदर जो लीवर फेलियर के साइन सिम्टम मेनली इंसेफलोपैथी, कोगुलोपैथी, ये 26 वीक्स के अंदर आना शुरू हो जाए, तो 26 वीक्स की हमने बाउंड्री लगा दी है, तो इसके अंदर लीवर के साइन सिम्टम आना शुरू हो जाए किसी इंजरी या इंजीरियस स्टिमुलस के बाद, तो उसको बोलते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एक्यूट लीवर फेलियर के साइन सिम्टम होते हैं वो 8 वीक के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं जब इंजरी होती है। ठीक हो गया। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं? पहला जो इंपॉर्टेंट जो कॉज है एक्यूट लीवर फेलियर का, एक्यूट लीवर इंजरी का, वो है ड्रग और टॉक्सिन इंजरी। जो ड्रग और टॉक्सिन इंजरी है दो मैकेनिज्म के जरिए काम कर सकती है, या तो वो डायरेक्ट लीवर को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर वो इनडायरेक्टली लीवर को डिस्ट्रॉय कर देगी। पहले इसकी एक्टिवेशन होती है फिर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस तरह एस्टामिनोफेन है। ये डायरेक्टली टॉक्सिक नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली टॉक्सिक होती है। तो एस्टामिनोफेन की वजह से लीवर की नेक्रोसिस काफी ज्यादा सडन होती है, रैपिड होती है, तो उस रैपिड हेपैटिक नेक्रोसिस को फुलमिनेंट हेपैटिक नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक हो गया। या फुलमिनेंट हेपैटिक या रीनल फेलियर कहते हैं। ओके। इसके बाद बाकी जो उसके कॉजेज है एक्यूट लीवर फेलियर के, तो उसको याद करने के लिए एक मेमोनिक है ABCD। तो ए से क्या होगा? एस्टामिनोफेन ड्रग है, हेपेटाइटिस ए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या ब्लड फ्लो की एबनॉर्मैलिटीज, ये भी हो सकती है कॉजेस का। इसके अलावा जो बी से आता है, बी से हेपेटाइटिस बी, सी से हेपेटाइटिस सी और क्रिप्टोजेनिक भी हो सकता है, डी से ड्रग टॉक्सिन्स वगैरह और हेपेटाइटिस डी, ई से क्या होता है हेपेटाइटिस ई, और इसके अलावा इसोटेरिक कॉजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल्सन डिजीज है, बट चारी सिंड्रोम, लिम्फोमा है, कार्सिनोमा है। आगे ई के बाद एफ आना, एफ में फैटी चेंज ऑफ माइक्रोवेजिकुलर टाइप, फैटी चेंज ऑफ माइक्रोवेजिकुलर टाइप, या इसको माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर होता यह है कि जो हिपैटोसाइट का मेटाबॉलिज्म हो अफेक्ट हो जाता है, इसमें सेल की इंजरी नहीं होती बल्कि सेल का मेटाबॉलिज्म खराब देखने को मिलता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर फैटी लीवर और प्रेगनेंसी आ सकता है, वेलप्रोइक एसिड की टॉक्सिटी है, टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिटी होती है, या फिर राइस सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता होता है। ठीक हो गया। अब एक्यूट लीवर फेलियर की मॉर्फोलॉजी किस तरह से आती है? एक्यूट लीवर फेलियर की मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या हो सकता है? मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, वो जो टिश्यूज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, श्रंकन हो जाते हैं, क्योंकि टिश्यू की वाइड सेपरेट डिस्ट्रक्शन होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका साइन सिम्टम क्या था, आपका जो कॉज क्या था लीवर फेलियर का, अगर वो एस्टामिनोफेन की वजह से लीवर की इंजरी होती है तो वो काफी ज्यादा रैपिड होती है, घंटों से लेकर दिनों तक साइन सिम्टम आ जाती है, इतना जल्दी आ जाते हैं, जबकि वायरल केस के अंदर जो साइन सिम्टम होते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो काफी स्लो होती है और उनको अपीयर होने में हफ्तों से लेकर महीने लग जाते हैं। अगर एस्टामिनोफेन की टॉक्सिटी होती है, इसकी वजह से लीवर फेलियर होता है, तो उसकी वजह से कोई रीजनरेशन, कोई स्कार टिश्यू नहीं बनता, क्योंकि इतनी जल्दी लीवर डिस्ट्रॉय होता है कि लीवर को संभलने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन वायरल केस के अंदर कोई ना कोई आपको रीजनरेशन या स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लीवर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसके साथ साथ लीवर फेलियर एक और कंडीशन भी करवाती है, जिस कंडीशन का नाम है डिफ्यूज माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस। इसके अंदर यह होता है कि आपको लीवर की नेक्रोसिस या लीवर के सेल डेथ नहीं देखने को मिलता, बल्कि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, हेपेटोसाइट का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाता है। एग्जांपल क्या? फैटी लीवर और प्रेगनेंसी, वेलप्रोइक एसिड की टॉक्सिटी हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिटी हो सकती है। ठीक हो गया। राइस सिंड्रोम है या कोई HIV के केस के अंदर, इन सब की वजह से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म वो अफेक्ट हो जाता है, उसकी डिसफंक्शन की वजह से सेल की डेथ नहीं होती, लेकिन आपको
क्या देखने को मिलते हैं, लीवर का फेलियोर देखने को मिलता है। यानी इस लीवर फेलियोर के अंदर कोई सेल की डेथ नहीं होगी, बस हेपेटोसाइट का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स जो मेन मेन इंपॉर्टेंट वाले हैं एक्यूट लीवर फेलियोर के, पहला कोलेस्टेसिस, दूसरा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, तीसरा कोगुलोपैथी, चौथा पोर्टल हाइपरटेंशन और पांचवा हेपेटोरिनल सिंड्रोम। ये मेजर मेजर है। लेकिन इससे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डस वगैरह आएगा। ठीक है, जॉन्डस तो मेन इंपॉर्टेंट आएगा लीवर की वजह से। फिर इसके बाद क्या आएगा, एनसेफेलोपैथी और कोगुलोपैथी वगैरह देखने को मिलती होती है। इस लीवर फेलियर की वजह से आपके प्लाज्मा के अंदर ट्रांसमाइलेज का लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लीवर इनिशियली क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ओके, सेल की स्वेलिंग होती है। ओके, तो इनिशियली लीवर की स्वेलिंग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में लीवर की श्रिंकेज हो जाती है, क्योंकि लीवर का पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। चूंकि प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ट्रांसमाइनस नजर आना शुरू हो जाती है, तो हमें ये इंडिकेशन देती है कि हेपेटोसाइट डैमेज हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा अब कौन कौन से पांच इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पहला कोलिस्टेसिस है। कोलिस्टेसिस में होता ही है, कोलिस्टेसिस कोली बाइल से रिलेटेड है, स्टेसिस का मतलब है रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, जब लीवर फेल्योर हो जाएगा तो लीवर का फंक्शन है बाइल को एक्सक्रीट करना, लेकिन क्या होगा, बाइल की फॉर्मेशन और फ्लो में अल्टरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन की रिटेंशन हो जाएगी, दूसरे सॉल्यूट जो कि बाइल के अंदर सिक्रेट होते थे वो क्या होंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीवर का फंक्शन है बाइल को बनाना, और बाइल के अंदर बिलिरुबिन और दूसरी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं। अब वो नहीं हो पाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, बिलिरुबिन अगर ज़्यादा हो जाएगा ठीक है, तो स्किन की और आपको उसके येलोविश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। अगर स्किन की होती है तो उसको जॉन्डस बोलते हैं, अगर स्क्लेरा की होती है तो उसको एक टेरस बोलते हैं, अगर कॉन्जेनिटल हो तो उसको कंडिक टेरस बोलते हैं। दूसरा हेपेटिक इंसेफलोपैथी है, हेपेटिक इंसेफलोपैथी में पहले आपको मेजर इटियोलॉजी बता देता हूँ। लीवर का फंक्शन ये होता है कि अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करा देना, लेकिन अगर ये फंक्शन नहीं हो पाएगा तो अमोनिया का लेवल काफी ज्यादा हो जाएगा। जब अमोनिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया पहली बात के ब्रेन के टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ सेरिब्रल एडिमा भी इसकी वजह से हो जाता है। ठीक हो गया, सेरिब्रल एडिमा वगैरह भी हो जाता है। ओके, तो जो हेपेटिक इंसेफलोपैथी है इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, और कोमा भी बंदा जा सकता होता है, डीप कोमा और डेथ भी हो सकती है। ओके, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम के अंदर रिजिडिटी है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, एस्टेरेक्सिस है। ठीक है, एस्टेरेक्सिस में क्या होता है, नॉन रिदमिक रैपिड एक्सटेंशन और फ्लैक्शन मूवमेंट होती है, किसकी, हेड की और एक्सट्रीमिटी की, स्पेसिफिकली अपर लिम की होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं एस्टेरेक्सिस। ठीक है, इसके बाद नंबर थ्री पे चलते हैं, कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी आपको पता है कि लीवर का फंक्शन क्या, क्रोटिक फैक्टर को बनाना, फैक्टर 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो कोगुलोपैथी, पैथी का मतलब डिसऑर्डर, कोगुलो कोगुलेशन फैक्टर्स है, तो अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, और इसके अलावा लीवर का एक और फंक्शन भी होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर को जो एक्टिवेट हो चुके होते हैं उनको रिमूव करवाना, अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर को ज्यादा यूज हो जाता है, इन शॉर्ट इसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लीडिंग बढ़ जाती है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है क्या, तो पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो पोर्टल वीनस सिस्टम में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी जो आपको बताया कि रेजिस्टेंस और फ्लो का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर पोर्टल वीनस सिस्टम में से ब्लड फ्लो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक हो गया, और वो उसकी वजह क्या होती है, और वजह ये हो सकती है प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक हो गया, नॉर्मली जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो एक्यूट में भी और क्रॉनिक दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा कॉमन होती है क्रॉनिक के अंदर, तो हम इसको क्रॉनिक के अंदर वैसे ज्यादा कवर करेंगे। ठीक हो गया, और इसके सब चीजें वगैरह कवर करेंगे क्रॉनिक के अंदर। नेक्स्ट है हेपेटोरिनल सिंड्रोम। हेपेटोरिनल सिंड्रोम नाम से लग रहा है कि लीवर फेलियर की वजह से रीनल सिंड्रोम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि अगर लीवर फेल हो गया तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन को ओवरकम करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में वेजोडायलेटर, स्पेसिफिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस बढ़ना शुरू हो जाती है, और मोर स्पेसिफिकली सप्लैक्निक सर्कुलेशन के अंदर, जो विसरल सर्कुलेशन के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं ये वेजोडायलेशन करवा देंगे। जब वो वेजोडायलेशन करवा देंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर रीनल की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा। जब रीनल हाइपोपरफ्यूजन होगा तो किडनी ये सेंस करेगी ब्लड प्रेशर कम हुआ पड़ा है, तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को तो बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ क्या करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन करवा देता है, किसकी, एफ्रंट आर्टेरियोल की, जिसकी वजह से क्या होगा, साल्ट और वाटर की रिटेंशन होगी किडनी के, तब ब्लड फ्लो और कम से कम देखने को मिलेगा, फाइनली जीएफआर भी कम हो जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हेपेटोरिनल सिंड्रोम। ठीक है, हेपेटोरिनल सिंड्रोम यानी किडनी की वजह से क्या हो गया, रीनल सिस्टम में मसला आ गया, सॉरी हेपेटिक की वजह से। अब इसके बाद चलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर, जो कि सिरोसिस करवा देता है। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर
हमने क्या देखना है, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होगा जो कि प्रोग्रेसिव कंडीशन है। इसके अंदर आपको फिब्रोसिस ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको आप सिरोसिस बोलते हो, ठीक है, ओके। और इसमें रीजनरेशन और फिब्रोसिस दोनों देखने को मिलती है। तो इसमें आपको आपको पैरेन्काइमल और फिब्रोटिक लिगेंड दोनों टाइप की देखने को मिलती है। पैरेन्काइमल नोड्यूल्स का मतलब ये है कि जो डैमेज हिपैटोसाइट होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या होते हैं, हमारे रिमेनिंग हिपैटोसाइट डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, जो मर चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जो सर्वाइविंग हिपैटोसाइट होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिब्रोसिस के अंदर क्या होगा कि कोलेजन और दूसरे फिब्रोटिक टिश्यू की डेपोजिशन हो जाएगी स्पेस को कवर करने के लिए। इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज क्या होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकते हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, जो कि क्या करवाते हैं, क्रॉनिक लीवर फेलियर और सिरोसिस करवाते हैं। ओके, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। पहला तो जो जॉन्डस और इसके अलावा हेपेटिक एनसेफलोपैथी, जो कॉगलोपैथी जो इसमें होती थी, वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी होगी। रीनल फेलियर या लीवर फेलियर, लीवर फेलियर। तो क्रॉनिक लीवर फेलियर के अंदर कॉगलोपैथी, हेपेटिक एनसेफलोपैथी, जॉन्डस, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके चार स्पेसिफिक कौन कौन सी है। प्रूराइटस, एस्ट्रोजन का ज्यादा हो जाना जिसको बोलते हैं हाइपर एस्ट्रोजिनिमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन और हाइपोगोनेडिज्म। प्रूराइटस किस वजह से होता है, कोलिस्टेसिस की वजह से होता है, कि बाइल की रिटेंशन होती है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेस, इचिंग वगैरह हो जाती है, जिसको उर्दू में हम खुजली वगैरह कहते हैं, ओके। लीवर का एक फंक्शन ये भी है कि एस्ट्रोजन को डिग्रेड करना, लेकिन अगर एस्ट्रोजन डिग्रेड नहीं हो सकता तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एस्ट्रोजिनोमिया, एस्ट्रोजनीमिया, ठीक है, जिसमें ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो वो पाल्मर एरिथेमा करवा देता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा स्किन के ऊपर जो वेसल्स होती है स्किन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लीन, जिसको बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमास, ठीक है। इस लास्ट है हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म भी हो सकता है स्पेसिफिकली ऐसी वुमेन जिसमें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की डिसफंक्शन हो जाती है, या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो कि क्रॉनिक लीवर फेलियर की वजह से हो सकती है, या हार्मोनल अल्टरेशन, क्योंकि लीवर का फंक्शन है इन स्टीरॉयड की डी कॉन्जुगेशन करके या कॉन्जुगेशन करके इनको बॉडी से रिमूव कर देना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट नहीं, हाँ लास्ट ही बल्कि, पोर्टल हाइपरटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना या सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो कि क्रॉनिक लीवर फेलियर की वजह से होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में आपको मैंने बताया था कि पोर्टल वीनस सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, लीवर के पास पोर्टल ब्लड फ्लो कम से कम आता है। अब इस रेजिस्टेंस के ज्यादा होने की या ऑब्स्ट्रक्शन होने की तीन वजह है, कि पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो लीवर से पहले पड़ी हुई है, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन लीवर के अंदर पड़ी हुई है, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन लीवर के बाहर पड़ी हुई है, प्री, इंट्रा और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक में यह हो सकता है कि पोर्टल वीन का ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है, पोर्टल वेन का, या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी हो सकती है पोर्टल वेन की, जिस तरह के पोर्टल वेन की स्टेनोसिस हो जाती है जिससे पहले वो लीवर में एंटर हो रही है। अब इंट्रा हिपैटिक कॉजेस के अंदर क्या होगा, सिरोसिस हो गया, सिरोसिस में फिब्रोटिक टिश्यू की डेपोजिशन हो जाती है, वो पोर्टल वीनस रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, पोर्टल हाइपरटेंशन करवा देती है, या नोड्यूलर रीजनरेशन हाइपरप्लेजिया की, अगर आपने लीवर के एक पार्ट को निकाला तो रिमेनिंग पार्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो जो नोड्यूलर रीजनरेशन हाइपरप्लेजिया, इसकी वजह से भी इंट्राहिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा कोलेनजाइटिस है, मैसिव फैटी चेंजेस है। लास्ट है पोस्ट, पोस्ट में क्या हो सकता है कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, या कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, या हेपेटिक वेन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से पोस्ट हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। ओके, तो पोर्टल हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स क्या है। पहला हिपैटिक एनसेफलोपैथी, कि अगर लीवर के पास पोर्टल ब्लड कम से कम आएगा तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लीवर हमारे सीएनएस के ऊपर साइन सिम्टम आना शुरू हो जाती है, जो हिपैटिक एनसेफलोपैथी कवर कर चुका हो। एसआईटीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जब पोर्टल ब्लड फ्लो कम से कम आएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो एल्ब्यूमिन है इसके लेवल क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है पेरिटोनियल कैविटी में तो उसको बोलते हैं एसआईटीज बोलते हैं। नेक्स्ट है पोर्टो सिस्टेमिक शंट, के बाज अवकात ऐसा होता है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो पोर्टल ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ शंट बनाना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं पोर्टो सिस्टेमिक शंट, और इसकी वजह से आपको इसोफेगल वायरसेस देखने को मिल सकती है, या कैपट मेडुसी देखने को मिल सकती है, या कुछ पेरिटोनियम या फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के ऑफ लीवर, इसके अलोंग पोर्टो सिस्टेमिक शंट्स देखने को मिल सकते हैं। लास्ट है कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली, ठीक हो गया, कि जब स्प्लीन के पास भी तो पोर्टल ब्लड फ्लो, जैसे ये स्प्लीन होती है, स्प्लीन का ब्लड भी तो आता है स्प्लीनिक वेन से पोर्टल वेन में, तो अगर ये पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है तो फिर पोर्टल ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, तो वो स्प्लीन के अंदर जमा होता रहेगा, तो उसके अंदर स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा। इस स्प्लीनोमेगैली की वजह से क्या होगा कि स्प्लीन के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं तो वो स्प्लीन के अंदर ही सिक्वेस्टर्ड रहेगा,
डिसिप्लिन के अंदर ही मौजूद रहेगा, तो इसकी वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर पैनसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह हो जाएगा, ठीक हो गया। और कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन भी है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। लास्ट है एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेलियर। इसमें होता यह है कि पहले से किसी लीवर के ऊपर क्रॉनिक इंजरी होती है, लेकिन लीवर उस क्रॉनिक इंजरी को कम्बैट कर लेता है, इस क्रॉनिक इंजरी को बर्दाश्त कर लेता है और इसके अंदर कंपनसेशन आ जाती है और स्टेबल हो जाता है। लेकिन उस क्रॉनिक लीवर इंजरी वाले लीवर के ऊपर अगर हम एक्यूट इंजरी लगा दें तो इसके पर क्या होगा, एक्यूट लीवर फेलियर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक हो गया। यानी किसी के अंदर पहले क्रॉनिक लीवर फेलियर, क्रॉनिक लीवर डिजीज था, इसके ऊपर आपने एक्यूट स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेलियर। इसकी वजह से एक्यूट लीवर फेलियर के साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को पहले बीटा हेपेटाइटिस बी है, उसके अंदर हेपेटाइटिस डी हो जाए तब ऐसा हो सकता है, या किसी के अंदर प्राइमरी सेक्लोराइजिंग कोलनजाइटिस था तो उसके अंदर असेंडिंग कोलनजाइटिस हो जाए तो ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं, या कोई नॉन अल्कोहलिक पेशेंट था तो वेट लॉस करता है तो उसकी वजह से नॉन अल्कोहलिज्म के साइन सिम्टम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया लीवर फेलियर का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।